हेलो गाइज, आज के वीडियो में जाने वाले हैं कैसे हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर सकते हैं, कहाँ डाउनलोड करना है, और दूसरी बात कि इसमें मटेरियल यूआई थीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं, और तीसरी क्या है कि हम अपने मोबाइल से कैसे इसको यूएसबी डिबगिंग करते हैं। तीन चीज़ सीखना पड़ेगा, क्योंकि यार मैं देख रहा हूँ कमेंट में कि बहुत लोगों के पास 8 GB रैम का लैपटॉप नहीं मिलता है। तो यार उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि वो अपने मोबाइल से ही यूएसबी डिबगिंग करें। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं गूगल में, और पहले बात करते हैं इसका डाउनलोडिंग एंड्रॉयड स्टूडियो का। तो यहाँ टाइप करना है गूगल में आपको एंड्रॉयड स्टूडियो, ऊपर का जो आएगा डाउन एंड्रॉयड स्टूडियो एंड SDK टूल्स पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपके सामने यहाँ खुलेगा न्यू इंटरफेस। ये जो इंटरफेस है यहाँ देखिए, आपको यहाँ ये जो दिया हुआ है, यहाँ जो लिखा हुआ है डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, और यहाँ उसके नीचे दिया हुआ वर्जन 3.6.1, तो वो आपको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड होने के बाद आपका एक जो स्टूडियो है वो हो जाएगा ओपन। इजीली करना इंस्टॉल, कोई बड़ी बात नहीं यार, जो मैं आपको बताऊं क्लियरली कि स्टेप बाय स्टेप। यार हाँ, इसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको इसमें एटलीस्ट 3 या 4 GB नेट रखना है आपके मोबाइल में। अगर आप हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हो तो 3 या 4 GB, अदरवाइज़ अगर आप वाईफाई ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हो तो यार उसमें तो रहता है अनलिमिटेड, तो उससे कोई मतलब नहीं था। अब हम लोग इसको करते हैं ओपन अपना एंड्रॉयड स्टूडियो को। तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ हमारे जो है एंड्रॉयड स्टूडियो खुल चुका है, और यहाँ आपको कोई भी प्रोजेक्ट पर क्लिक नहीं करना है। अगर क्लिक करना तो कोई बात नहीं, पहले मैं बताता हूँ बिना क्लिक किए। तो यहाँ आपको आना है कॉन्फ़िगर में, और देखिए यहाँ नीचे लिखा रहेगा प्लगइन्स। प्लगइन में आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपके सामने फिर से एक न्यू इंटरफेस खुलेगा, और देखिए यहाँ ऊपर में दो चीज़ दिया हुआ है, मार्केट प्लेस एंड इंस्टॉल्ड। तो जितना आपका जो प्लगइन इंस्टॉल है यहाँ दिखाएगा, और मार्केट प्लेस का यहाँ दिखाएगा। तो आपको मार्केट प्लेस में जाकर यहाँ आपको सर्च करना है मटेरियल, सिर्फ टाइप करना है। देखिए उसके बाद फर्स्ट में ही आएगा मटेरियल थीम UI, इसको आपको डाउनलोड करना है और इसको एक्टिवेट कर देना है स्टेप बाय स्टेप। इतना इसको करना इसका बहुत ईजी है, इसलिए मैं आपको इसमें कुछ बताने वाला नहीं हूँ कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि यार अगर आप एक डेवलपर हो ना तो आपको ये इंस्टॉल करना आपको आना होगा या फिर आना चाहिए, क्योंकि यार डेवलपर का माइंड बहुत ही साफ होता है, ठीक है। इसलिए मैं इस चीज़ को मैं पूरा बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन इतना होने के बाद आपको अगर आपने यहाँ नहीं गया और आपने कोई प्रोजेक्ट खोल दिया तो वहाँ भी आपको जाना पड़ेगा, टूल्स में जाके आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अब बात करने वाले हैं हम लोग अपने मोबाइल में कैसे हम लोग उसमें USB डीबगिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ कि जो हमारे मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर है उसको ओपन करना पड़ेगा। देखिए ओपन करने के बाद ये हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है, मेरा जो मोबाइल का स्क्रीन है यहाँ खुल गया। यहाँ आपको जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद देखिए आपके सामने नीचे में यहाँ आपको यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि पहले क्या था कि जब हम लोग जाते थे एडिशनल में, जब हम लोग इसको एक्टिवेट नहीं किए रहेंगे तो यहाँ देखिए एडिशनल में यहाँ दिखाएगा डेवलपर मोड, बट यहाँ डेवलपर मोड यहाँ नहीं है, तो कैसे इसको लाएंगे वापस। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ अबाउट फ़ोन में, और यहाँ देखिए जो वर्जन दिया हुआ है वहाँ वर्जन, उस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ कर्नल जो लिखा हुआ है कर्नल वर्जन, उस पर मैं हम लोग डबल क्लिक नहीं कर सकते। यहाँ जो देखिए दिया हुआ ऊपर में वर्जन, वहाँ आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ नीचे हमारा जो है डेवलपर मोड ऑन हो गया। यहाँ हमको कुछ मारना अपना सिक्योरिटी मोबाइल का जो होता है पासवर्ड, वो उसके बाद हमारा जो यहाँ आ जाएगा डेवलपर मोड ऑन। अब इसको बैक करते हैं, अब जाते हैं वापस चेक करते हैं डेवलपर मोड। तो जाते हैं सेटिंग में, और यहाँ से एडिशनल में जाएंगे, और यहाँ से देखिए नीचे यहाँ आ गया डेवलपर ऑप्शन, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ आपका डेवलपर ऑप्शन यहाँ अगर ऑफ होगा तो आप ऑन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ USB डिबगिंग जो देखिए यहाँ दिया हुआ डिबगिंग, इस डिबगिंग को आपको यहाँ हमेशा ऑन रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल में टोटली ऐप रन हो जो आप टेस्टिंग करें, तो यहाँ आपको डिबगिंग को ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ दूसरा कंडीशन क्या है कि आपको अपने इस मोबाइल को कनेक्ट करना पड़ेगा लैपटॉप से। तो मैं आपको दिखा दूँ क्लियरली यार कि कैसे कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट करता हूँ लैपटॉप से, और यहाँ मैं इसको केबल से कनेक्ट कर दिया। यहाँ आपको चूज करना है ट्रांसफर एंड फाइल, इस बात को ध्यान दीजिएगा कभी भी चार्ज ओनली पर काम नहीं करेगा, ट्रांसफर एंड फाइल पर काम करेगा। तो यहाँ क्लिक करना है, उसके बाद आपको अब यहाँ आपका सामने यहाँ आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो है उसको दोबारा, मतलब कि मैंने तो क्लोज कर दिया, आपको ओपन करना पड़ेगा, और वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको कनेक्ट करते हैं और ये मोबाइल में कैसे काम करता है सो। और मैं कोई भी एक ऐप पर, मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर मैं क्लिक करता हूँ। पहला क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपके सामने इस तरह का प्रोजेक्ट खुलेगा, क्योंकि न्यू इंटरफेस में 3.6.1 का जो है वर्जन वो बहुत ही लाजवाब है यार, हमको मज़ा आता है इस सब चीज़ चलाने में, क्योंकि इसका जो डार्क कलर मोड है वो भी और मस्त है। जब से मैंने इसमें मटेरियल UI का जो मैं थीम इंस्टॉल किया हूँ वो तो देखने में और मज़ा आता है, क्योंकि उससे हमें हमारी आंखों पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना पहले लगता था कि यार, जैसे कि अधिकांश डेवलपर काम करती है रात में, अधिकांशतः डेवलपर का काम रहता है रात में, तो यार रात में अगर नाइट देखिए यहाँ आपके सामने यहाँ मोबाइल आपको दिख रहा होगा यहाँ कि देखिए यहाँ आपके सामने आ गया USB डिबगिंग का अलाउ करने का। तो यहाँ आपको
अलाउ पर क्लिक करने पहले यहाँ देखिए दिया हुआ बॉक्स ऑलवेज अलाउ दिस कंप्यूटर, तो यहाँ आपको एक बॉक्स को क्लिक करके आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ टाइम लेगा और देखिए ऊपर में आपका इस एंड्रॉयड स्टूडियो में यहाँ आपको डिवाइस का जो नेम है वहाँ शो कर देगा, जैसे यहाँ शो करता है ऊपर में, देखिए यहाँ ऊपर में शो करेगा। यहाँ देखिए क्लियरली लिखा हुआ रियल मैं रियल मी 3 प्रो यूज करता था, इसलिए रियल मी का मुझे मॉडल है वो यहाँ 3 प्रो का वहाँ देखिए यहाँ शो कर रहा है। तो इसी तरह आप अपना एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर सकते हैं, थीम को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना मोबाइल का यूएसबी डिबगिंग को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जिससे इसमें इसमें फ़ायदा क्या है इस डिबगिंग से, पहला कि जब आप देखिए यहाँ जब आते हैं टूल्स में हम लोग यहाँ ये जो आते हैं टूल्स पर, तो देखिए लिखा हुआ है SDK मैनेजर, यहाँ AVD मैनेजर होता है AVD मैनेजर, तो यहाँ आपको जब ये ओपन कीजिएगा तो यहाँ आपको सामने एक देखिए यहाँ आता है हमको वर्चुअल मोबाइल व्यू को करना पड़ता है जनरेट। देखिए मैंने जनरेट करके नहीं रखा हूँ, मतलब कि मैं इसको मैं रखा ही नहीं हूँ वर्चुअल मोबाइल को, मैं डायरेक्टली यूज़ करता हूँ मोबाइल से ही डायरेक्टली, क्योंकि यार इसमें क्या था कि जब मैं हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं ना तो स्पेशली 8 GB रैम और 4 GB रैम में, यार 4 GB रैम में तो चलता ही नहीं है, बट 8 GB रैम और लैपटॉप में यार सिस्टम को स्लो करता है इसको ओपन करने में, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। इसलिए देखिए अभी तो मैंने इसको क्रिएट भी नहीं किया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप 8 GB रैम और 4 GB रैम को यूज़ करते हैं तो आप इस वर्चुअल AVD मैनेजर को आप इंस्टॉल कीजिए मत, बेटर रहेगा यार, बहुत फालतू तो लगता है हमको चीज़ में, इससे बेटर यार हमारा रियल डिवाइस ही ठीक है। और यहाँ हम लोग इसके मैटर में हम लोग बात कर ही लिए थे कि इसका जो इंटरफेस क्या है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कि रियलमी 3.6.1 में क्या क्या न्यू आया हुआ है, तो हमारे आप यूट्यूब में विजिट कीजिए, वहाँ वीडियो बना हुआ है इसके बारे में, अब वहाँ जाके आप इसके बारे में कम्प्लीटली सीख सकते हैं, बहुत ही डिटेल बताया गया है। तो यही तो छोटी सी वीडियो जो हम आज आपको बताने वाला था और बता भी दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, मन में कोई भी सजेशन हो ख्याल हो तो यार कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बगल में दिया जाएगा बेल आइकन को प्रेस करके आप ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और आप कुछ एक न्यू नॉलेज ले सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, और उसमें हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का शॉर्टकट कीवर्ड, मतलब कि आज तक हमने कंप्यूटर में सीखा था माउस से काम करते ना, टच पैड से। तो देखिए आपको मैं देता हूँ एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ देखिए जैसे मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ माउस का, तो यहाँ आपके सामने देखिए यहाँ खुलेगा रिफ्रेश करने का। लेकिन अगर हम सोचते हैं यार कि बिना माउस टच किए हुए अगर हम राइट क्लिक हो जाता और रिफ्रेश होता तो कितना मजा आता है, तो आपके मन में ये आता होगा कि F5 दबाएंगे और रिफ्रेश ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन नहीं, F5 दबाना तो कीबोर्ड का आ गया ना, लेकिन ये जो आता है यहाँ डिस्प्ले आ रहा है पॉपअप यहाँ, इसी तरह से करना चाहिए। तो देखिए अब हम माउस को क्लिक नहीं करने वाला हूँ और डायरेक्टली आपको मैं दिखाऊंगा सैंपल। तो जैसे मैं क्लिक किया और देखिए आपके सामने यहाँ खुल जाएगा, देखिए रिफ्रेश का बटन, मैं जितना बार क्लिक करूँगा बिना लैपटॉप थी बिना माउस का उतना बार खुलेगा, देख लीजिए आप, मेरा कर्सर कहीं और रखा हुआ माउस का और मेरा देखिए बटन कहीं और खुल रहा है। तो इस तरह कैसे करेंगे हम लोग अपने लैपटॉप बारे में, तो ये सीखने वाले हैं पूरा डिटेल और एवरीथिंग लैपटॉप एंड कंप्यूटर बारे में, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आने वाला है कल से। तो चलिए मिलते हैं कल के ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।